These are one of those days जब हम चाहते हैं कि ब्रेक की हमारी जो स्टोरी है ना वो भी आपको सुनने को मिले, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी स्टोरी हमें पता लगी है अब तक वो और उससे ज्यादा कुछ आप तक पहुंचे. जनाब हाँ, वो तो तस्दीक हो गई है कि केट ने उस दिन पहना था जेनी पैकन का गाउन और जिमी चू के जूते, बड़े जबरदस्त किस्म के, लेकिन प्रिंस विलियम ने पहनी थी नुमान आरफीन की बनाई हुई जबरदस्त डार्क ग्रीन कलर की शेरवानी. डार्क ग्रीन ही कहेंगे उसे या टर्कोइज ग्रीन. नुमान वेलकम टू द शो. और आपसे हम मिलना चाहते थे बिकॉज ओके सो यू एक्सपेक्ट एक शहजादी आएंगी, एक प्रिंसेस आएंगी, तो उन्होंने तो बड़े जबरदस्त कपड़े, सारी आंखें उन पे होती है, लेकिन विलियम ने तो बिल्कुल ही स्टोल द शो एट दैट रिसेप्शन. तो किस तरह हुआ ये सारा सिलसिला? सबसे पहली बात मैं आपको अब्दुल्ला ये बताऊंगा आप दोनों को कि इफ यू रियली नोटिस क्लोजली फॉर ओवरनाइट सक्सेस टुक लॉन्ग टाइम. एक दिन के अंदर माशाल्लाह जो लोगों ने मेरे काम को खराज तहसीन पेश किए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक लंबा सफर होता है. बात सिर्फ ये होता है कि जैसे कि मैं एक जाहिर सी बात है अपने लोगों को हैंडल करता हूँ, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल करता हूँ, आई हैव एन आइडिया ऑफ द बॉडी, आई हैव एन आइडिया ऑफ द थिंग कि वो सोच क्या रहे हैं, वो बोलना क्या चाह रहे हैं. तो इस तरह उनकी काम शुरू हुआ. जहां मैं स्टॉक करता हूं, कॉन्टैक्ट किसने किया? मेरा आई एम ऑलरेडी स्टॉकिंग एट इन लंडन, ठीक है, चेल्सी पे मेरा वहां स्टॉकिंग होती है. वहां पर वो गए, वहां पर जो है इट्स अ मल्टी ब्रांड स्टोर, वहां पर मैं नहीं पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम और इंडिया के बहुत बड़े नाम वो वहां पर मौजूद हैं. मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि वहां से जो है वो मेरी शेरवानियों को और हमारे काम को पसंद किया गया और वो शेरवानियां लेके वो पैलेस चले गए. उन्होंने कहा जी वी वांट दिस इन द पैलेस, देन उनको पहनाया गया, चेक करवाया गया, उनको मैंने सब सब जब काम पसंद आया तो उन्होंने कहा ओके जी वी मूव फॉरवर्ड. तो फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने जब बातचीत शुरू हुई, उनकी विलियम्स की पूरी तस्वीर आई और उन्होंने कहा कि जी तो मुझे तो अंदाज़ा है, जाहिर सी बात है, टू हैव अ लुक आफ्टर लुकिंग एट द बॉडी. तो अब मुझे जब उन्होंने तस्वीर भेजी तो मुझे उनकी बातचीत से अंदाज़ा हुआ दे नीड अ ब्लू शेरवानी हैविंग अ ग्रीन बटन्स ऑन इट. अब ग्रीन 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 बटन्स, वाई ब्लू एंड ग्रीन मोस्ट ऑफ द टाइम इज नॉट अ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना. तो मुझे बड़ा एक मैंने कहा यार ये मांग ग्रीन रहे, आई थिंक देयर इज समथिंग फिशी बिहाइंड इट. कितने देर पहले था ये मेरी बातचीत? पूरा प्रोसेस 10-12 दिन से चल रहा था, ठीक है, मतलब 15 दिन पहले आए थे वो चीजें लेके पसंद करके चले गए थे. दो तीन हफ्ते पुरानी बात है. तो इसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी हस्ती है आपके पाकिस्तान आ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है. तो खैर उसके बाद ये हुआ कि जब वो ग्रीन ग्रीन का एलिमेंट आया तो मैंने अपनी तरफ से एक शेरवानी बनाई और मैंने उनको जो है पहले तस्वीर भेजी, फिर उनको नहीं गई, उनीता के पास गई. उनीता सिंपली शी लव माय वर्क, ठीक है. उन्होंने कहा जी मुझे ये भी भेजो. जो मैंने फिर उसको भी उनके नाप के हिसाब से उसको बनाई और बनाने के बाद मैंने उसको भेज दी. अब पता ये चला कि उन्होंने जो बनवाई थी उनको वो पसंद इतनी नहीं आई जितनी जो मैंने भेजी उनको वो ज्यादा पसंद आई. अच्छा अब ये दो शेरवानियों की बात हो रही है तो आप भी जरा कंफ्यूज हो गए होंगे कि दो शेरवानियां कौन सी थी. एक तो वो डिजाइन था जो उनकी तरफ से आया था, सैंपल देख के उन्होंने पसंद किया और ये कहा कि हमें इस तरह की बना दें लेकिन बटन ग्रीन होने चाहिए और वो पॉकेट्स को ग्रीन होना चाहिए, तो वो शेरवानी जरा आप दिखा दें इस टाइम. ये तो वो है जो इन्होंने अपनी तरफ से बना के भेजी थी. ये तो वो है जो उन्होंने पहनी थी. और एक और शेरवानी है जो अब आप ये वो है जो उन्होंने कहा था कि इस किस्म की हमें बना दें, ब्लू एंड देन ग्रीन बटन्स एंड ग्रीन पॉकेट स्क्वायर. सो हमारी जो ट्रेडिशनल शेरवानी है विद कढ़ाई वो ज्यादा अच्छी लगी रही है. मैंने तस्वीर भी ली थी क्योंकि मैं आई वाज वेरी क्विक क्योंकि मैंने सारा काम 24 घंटे के अंदर किया था. 24 घंटे में 24 इतनी टाइट टाइमलाइंस जी. मेरे पास जब तस्वीर आई तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि मतलब कि मुझे तो चेहरा कटा हुआ था, ठीक है ना. तो नहीं पता था, आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग, मतलब इट्स कहते हैं विंडो शॉपिंग क्लाइंट, ठीक है ना, कोई भी क्लाइंट है. तो उसके बाद जब आगे मेरी इससे बातचीत हुई मैंने कहा ओके आई कैन चेंज बटन बट कैन यू प्लीज टेल मी दैट व्हाट द कलर ऑफ द शेरवानी, द ब्लू और ब्लैक. तो उसने कहा आई डोंट नो द शेरवानी इज इन पैलेस. मैंने कहा व्हाट डू यू मीन इट्स इन पैलेस, नोमान कम ऑन इट्स विलियम. ओह माय गॉड. अच्छा मैंने कहा आई एम गोइंग टू मेक द न्यू शेरवानी फॉर हिम, आई एम गोइंग टू कस्टमाइज द शेरवानी फॉर हिम एंड आई डिड इट इन वन और टू वन डे एंड द सेकंड डे इट गॉट डिस्पैच. अच्छा तो ये शेरवानियां डिस्पैच होकर लंदन गई या इस्लामाबाद गई? लंदन गई और फिर उसके बाद जो है पैलेस गई एंड उनका था डेडलाइन था उनका मंडे का और हमने जो है अर्जेंट डीएचएल
ताकि हम वेनेसडे को जो भेजते हैं पार्सल वो अक्सर जो है क्योंकि DHL की जो है वो डिलीवरी जो है वीकेंड्स में होती नहीं है, तो हमने उसको अर्जेंट करवा के उसको फ्राइडे वाले दिन उसको ड्रॉप करवाया है ताकि उनके पास पहुंच सके ऑन टाइम. ही वोर द शेरवानी, ही लव द शेरवानी, और फिर द थिंग्स वर कॉन्फिडेंशियल. फिर मुझसे ये भी पूछा गया, आई थिंक दैट्स यू आर गोइंग टू लव दिस. मेरे पास फिर फोन आया, फिर पूछा गया कि ये वी रियली लव दिस टर्कोइज ग्रीन शेरवानी, कैन यू प्लीज टेल अस के इसमें किसी किस्म की कोई कैलीग्राफी तो नहीं है जो कि वी डोंट वॉन्ट के द पीपल गेट ऑफेंड और दिस. तो मैंने कहा नो नो, इट्स अ सिंपल मोटिव्स एंड यू कैन हैव दिस शेरवानी और बड़े आराम से इसको पहने, देर इज नथिंग लाइक दैट. तो उन्होंने कहा ठीक है, सो आई यू आर श्योर अबाउट इट, कैन यू राइट इट. मैंने कहा आई कैन ईमेल यू एंड आई कैन कन्फर्म दिस टू यू. ओके जी, ठीक है जी. देन दे मूव फॉरवर्ड, फिर वो शेरवानी गई. और डिटेल्स आप सुन रही हैं, आई नो कितना इन लोगों के दे हैव टू बी वेरी केयरफुल. एक एक चीज पे तो जूम इन करके तस्वीरें वगैरह होती हैं और फिर उनको अगर कोई एनालाइज किया जाता है, बिल्कुल अन टू वर्ड कोई चीज हो जाए तो फिर उन लोगों को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है. नुमान, इज इट द फर्स्ट टाइम कि आपने इतनी बड़ी हस्ती के लिए एक शेरवानी बनाई हो? और जिनका एक होता है, वरना शेरवानी ऐसी चीज है कि दो तीन बार ट्रायल होता है कि पहनते हैं फिर उन पर फिटिंग होती है. यहाँ तो लिटरली आउट ऑफ योर माइंड और हेड, बंदा किसी और मुल्क में है, वो एक प्रिंस है, मुलाकात भी नहीं हुई हुई और पूरी दुनिया ने फिर जज भी करना है और देखना भी है और कोई गड़बड़ हो गई तो एतराज भी करना है. वन टाइम आपको एक परफेक्ट चीज पहली बारी भेजनी है. जी, मैंने आपको बताया ना, एक्सपीरियंस मैटर्स, ठीक है ना. वजह यह है कि मैंने आपको बताया 15 साल से मैं इस इंडस्ट्री में, फैशन में इसमें काम कर रहा हूँ, 10 साल से मैं फैशन के अंदर हूँ. आइडिया हो जाता है, इंटरनेशनल कस्टमर्स को डील करता हूं. तो बात यह है कि मैंने आपको कहा ना कि ओवरनाइट सक्सेस एक रात में नहीं आती है, उसके पीछे एक बहुत लंबा सफर होता है. खैर, वजह यहां पर यह है, अंदाजा था मुझको जब मैंने देखा, बस मैं एंड मेरे साथ यह है कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए शेरवानी बनाता हूं. पाकिस्तान के बहुत मशहूर नाम हैं जिनकी शादियां जो है वो हमारे यहाँ से, नौशे मियाँ से और सारी चीजें हुई हैं, ठीक है. और आप तो आ भी चुके हैं, आप देख भी चुके हैं. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर हैविंग शेरवानी एंड द ईस्टर्न वेयर इन पाकिस्तान. इट इज अ बिग स्टोर, ठीक है. एंड वी हैविंग 3 branches राइट नाउ. वी आर स्टॉकिंग इन लंदन एंड वी आर स्टॉकिंग इन मैनचेस्टर, वी आर स्टॉकिंग इन शिकागो, ह्यूस्टन. इसके बाद तो देयर इज नो स्टॉपिंग यू. इंटरेस्टिंग बात ये, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम ये क्यों कैसे कह रहे हैं कि देख के बनाई, तो कोई साइज नहीं आए थे, मेजरमेंट्स एज सच नहीं आई थी, पिक्चर से देख के आपने अंदाजा लगाया. ये है अब्दुल्ला, मेरे पास जो कस्टमर्स हैं, जैसे कि आपकी किसी जानने वाले की शेरवानी बन रही, वो मुझे अगर नाप लेके भेजेंगे ना, आप यकीन जानिए कि अक्सर हमारे अपने सेल्स पर्सन सही तरीके से नाप नहीं ले पाते. नाप लेने के तरीका होता है, बॉडी फॉर्मेशन होती है, स्टाइल होता है, हर किसी की बॉडी स्टाइल अलग होता है, बॉडी का फीचर्स अलग होते हैं, ठीक है. तो खैर, वो जब मैंने देखा तो मुझे देखकर अंदाजा लगाया कि इनका जो शोल्डर्स कैसे हैं, तो इनके किस तरह है, इनके हाथ कितने लंबे. जैसे अगर आप मुझे, कोई शख्स मुझे कहें कि स्लीव इनकी 25 है, तो आई एम नॉट बिलीव कि इसकी 25 हो सकती है. मुझे मालूम है कि इनकी हाथ लंबे हैं, तो 26.5 से 27 के. अच्छा नुमान, जल्दी से बता दें, कोई वजीर आजम के लिए कोई शेरवानी आपने बनाई पाकिस्तान में? मतलब हमारे अपने कितने शेरवानी पहनते हैं फॉर्मल occasions पे, and it's are very मुझे वैसे तो खैर कोई इमरान खान की मेरी ख्वाहिश है बनाने की, लेकिन हमारे इमरान खान साहब इंतहाई सिंपल आदमी है, ठीक है, सादगी पसंद इंसान है, ठीक है. मेरी ख्वाहिश है, अब मुझे लगता है कि प्रिंस विलियम्स के बाद जो है काफी लोग हैं, यू हैव नो आइडिया, मेरा 2 दिन से मेरा सोशल मीडिया यकीन जाने बिल्कुल जाम हो गया है. बस तो फिर हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज के इस शो के बाद भी यू एंजॉय योर सक्सेस. माशाल्लाह, नुमान, बहुत शुक्रिया, कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड यू हैव मेड अस ऑल प्राउड. थैंक यू. एंड मैं आपकी एक बात जरूर, ये मैं आपसे बात कहना भूल गया था कि मेरी हमेशा बड़ी दुआ रहती थी कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया. यू हैव नो आइडिया, ये आपने जो बात अभी कही थी शुरू में कि प्रिंस विलियम्स ने ये पहली दफा किसी मुल्क का ट्रेडिशनल आउटफिट पहना है, तो ये टेलीग्राफ के अंदर आया था कि उन्होंने आज तक चीनो पैंट्स और सूट्स के अलावा कुछ नहीं पहना. दिस इज फर्स्ट टाइम एवर ही वोर द शेरवानी एंड द ग्रीन कलर शेरवानी, एंड आई थिंक ये हमारे मुल्क के लिए बहुत फख्र की बात है. थैंक यू फॉर मेकिंग इट हैपन, थैंक यू वेरी मच. जी, हमने कितने कपड़ों की बात की और केट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन थी, बट एक्चुअली विलियम स्टोल द शो विद दैट शेरवानी.